गाइस, आई एम पाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में टैब व्यू का यूज़ करना है, मीन्स आपको अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में डिफरेंट टैब्स लगाने हैं और डिफरेंट टैब्स पर डिफरेंट कॉन्टेंट रखना है, तो वो चीज़ आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। बट उससे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। मेरे पास बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में बताइए, हम इसके बारे में कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो उसी चीज़ का मैं आपको सोल्यूशन दे रही हूँ। इस टाइम पर अनअकैडमी ने कोडशेफ के साथ पार्टनरशिप में कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं स्पेसिफिकली फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस टाइम पर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पर टॉप एडुकेटर्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पर फ्री लाइव क्लासेस ले रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पर एक लिंक मैंने ओपन किया है, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आप अगर नीचे जाते हो तो आपको ऑप्शन मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का, जिसमें कि 3 लेवल्स हैं, इंटरमीडिएट, बिगनर एंड एडवांस लेवल। ये कोर्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस मीन्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का। अब बात आती है कि इसमें एडुकेटर्स कौन रहेंगे, तो अगर हम टॉप एडुकेटर्स की बात करें तो उसमें आते हैं हमारे पास संकेत सिंह, रिया बंसल, पुलकित छाबड़ा, दीपक गौर एंड मैनी मो। और अगर आप इनकी प्रोफाइल देखें तो पुलकित छाबड़ा जैसे कि कोड फोर्सेज एंड कोड शेफ दोनों में ही टॉप रैंकर्स में से रहे हैं, दीपक गौर ICPC वर्ल्ड फाइनलिस्ट रहे हैं, संकेत सिंह इस टाइम पर लिंक्डइन में प्लेस्ड हैं, रिया बंसल फ्लिपकार्ट में प्लेस्ड हैं। मीन्स ऐसे एडुकेटर्स हैं यहाँ पर जिनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग में, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, राइट। तो अगर आप ये कोर्स सीखना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो यू विल हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन। बट बिफोर गोइंग फॉर सब्सक्रिप्शन, आई सजेस्ट टू अटेंड द लाइव क्लासेस। यस, यहाँ पर कुछ फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो अगर आप इसमें सी ऑल पर क्लिक करते हैं, टोटली फ्री है ये क्लासेस, आपको जस्ट क्या करना है, लॉग इन करना है। मैं बताती हूँ आपको कैसे आप अटेंड कर सकते हैं क्लासेस। इस टाइम पर देखिए, जैसे कि संकेत सिंह लाइव हैं, लाइव नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अगर इस पर क्लिक करते हैं, ये क्लास जैसे कि देखिए 8:30 PM पर स्टार्ट हुई है और इस टाइम पर 9 PM हो रहा है, तो आपको जस्ट क्या करना है, वॉच नाउ पर क्लिक करना है। ये आपको लॉग इन करने के लिए बोलेगा, आपको जस्ट मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपके पास OTP आएगा एंड यू आर गुड टू गो। ओके, इसी तरीके से आप देख सकते हैं अपकमिंग क्लासेस जितनी भी हैं, फ्री लाइव क्लासेस जितनी भी हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट आ रही है अपकमिंग क्लासेस की। गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट इनकी फ्री लाइव क्लासेस आप अटेंड करो और देखो कि किस लेवल का ये लोग पढ़ाते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि आप कैसे जा सकते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। सो हम चलते हैं अपनी एंड्रॉयड सीरीज पर, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं टैब व्यू के बारे में। तो हमें सिंपल सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, बट अभी तक हम लोग सेलेक्ट करते थे एम्प्टी एक्टिविटी। अब हमें यहाँ से सेलेक्ट करनी है, नीचे आएगा आपके पास टैब्ड एक्टिविटी, इसको सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैंने नाम रखा टैब व्यू। सो ये हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। तो अगर मैं इसकी XML फाइल ओपन करती हूँ, fragment_main.xml फाइल क्रिएट हुई है, और मैं अगर इसका डिज़ाइन व्यू देखती हूँ तो हमारे पास अभी ब्लैंक है, और कंपोनेंट ट्री में हमारे पास है कॉन्स्टेंट लेआउट में सेक्शन लेबल। तो पहले मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ कि अभी हमने कुछ भी कोडिंग नहीं की है तो हमारे पास क्या एग्जीक्यूट हो गया है, क्या व्यू हमारे पास रहता है। तो मेरा फ़ोन कनेक्ट है सिस्टम से, इसको मैं करती हूँ एग्जीक्यूट। सो अभी देखिए कुछ भी कोड नहीं लिखा है मैंने, तो हमारे पास जो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हुई है वो ये है, जिसमें कि दो टैब्स आ रही हैं, टैब वन एंड टैब टू, जिसमें कि टैब वन और टैब टू दोनों का जो टेक्स्ट है वो दोनों का सेम है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम सेक्शन, एंड टैब टू में भी यही है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम सेक्शन, बस वन एंड टू हमारे पास चेंज हुए हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि टैब वन और टैब टू दोनों के नेम चेंज करेंगे, और इसके अंदर जो डेटा लिखा है वो भी हम लोग चेंज करके देखने वाले हैं। आप चाहें कितने भी नंबर ऑफ़ टैब्स बना सकते हैं, तो हम लोग 2 टैब्स ही बनाते हैं, चलिए 4 टैब्स हम बनाते हैं, चलिए ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे रिसोर्स फोल्डर में, लेआउट फोल्डर में, इस पर आप कीजिए। अभी देखिए अगर आप इसको ओपन करें तो हमारे पास fragment_main.xml ये फाइल आ रही है। तो अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो हमारे पास यही वाली फ़ाइल है, इसका कोड हमारे पास ये है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 2 फाइल्स क्रिएट करनी है।
तो हम क्या करते हैं, इसी फाइल को पहले हम इसको इसका नेम चेंज कर देते हैं। तो नेम चेंज करने के लिए हम जाएंगे रीफैक्टर में। रीफैक्टर में हमारे पास एक ऑप्शन है रीनेम का। तो हमने जैसे कि हमें मान लीजिए एक पेज रखना है होम पेज, तो हमने रखा इसका होम नेम और रीफैक्टर पर हमने क्लिक किया। तो एक टैब तो हमारे पास ये हो गई है, इसको अब आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ से कॉपी किया, लेआउट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको कर देंगे पेस्ट। दूसरी टैब लेट सपोज हमें करनी है ऑफिस, ओके, और एक टैब और बना लेते हैं, पेस्ट कर लीजिए अगेन, और इसका नाम हमने रखा मार्केट लेट सपोज। टोटली डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन पर कि आप क्या एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर 3 टैब्स लिए हैं। तो ऐसे अगर मान लीजिए आपको 5 टैब्स बनानी, कितनी भी नंबर ऑफ़ टैब्स बनानी है, तो आप उतनी ही XML फाइल्स क्रिएट कर लेंगे। अब हम जाते हैं home.xml में। जो भी अब आपको टेक्स्ट वहाँ पर शो करना है अपनी टैब पर, जैसे कि जो मैंने अभी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट की उसमें शो हो रहा था हेलो वर्ल्ड फ्रॉम टैब 1, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम टैब 2, तो इस चीज़ को यानी कि जो वहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है, तो वो आप जो भी रखना चाहते हैं आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमने रखा एंड्रॉयड टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, तो ये है हमारे पास होम टैब। तो हम लोग रख लेते हैं होम, वेलकम होम, ओके। इसको कॉपी कर लेते हैं और सभी में हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और टेक्स्ट चेंज कर देंगे बस। ऑफिस डॉट एग्जामल में हम लोग जाते हैं। ये समझ में आया ना, ये एग्जामल का जो डेटा है ये कहाँ पर जाएगा, जो कि हमारे पास हर टैब पर लिखा हुआ आएगा डेटा। वेलकम ऑफिस, और ऐसे ही मार्केट वाली में हम लोग कॉपी कर लेते हैं ये डेटा। ये जस्ट इसलिए लिख रहे हैं ताकि एक आइडिया हो जाए कि हाँ हमारे पास जो टैब का डेटा है वो चेंज हुआ है। बेसिकली जहाँ पर जो कंटेंट लिखा हुआ था हमारे पास हेलो वर्ल्ड फ्रॉम टैब 1, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम टैब 2, वो एरिया हमारा कहलाता है पेज व्यूअर। तो ये जो डेटा शो होगा यानी कि वेलकम होम, वेलकम ऑफिस, वेलकम मार्केट, ये सब कहाँ पर शो होगा, पेज व्यूअर पर। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 टैब्स बनाए हैं, तो उनके लिए हमें यहाँ पर 3 जावा क्लासेस भी क्रिएट करनी होंगी। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर जावा पर, कौन सी जावा फाइल पर जाना है, जहाँ पर मेन एक्टिविटी क्रिएटेड है। तो ये है हमारे, देखिए यहाँ पर जावा की 2 फोल्डर्स आते हैं ना, जावा एंड दिस वन जावा जनरेटेड। तो हमें जाना है यहाँ पर जहाँ पर कि मेन एक्टिविटी है, यहीं पर हम 3 फाइल्स और बनाएंगे। न्यू जावा क्लास पर जाइए, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं होम डॉट जावा, एक हम लोग बनाएंगे ऑफिस डॉट जावा, और एक और हम फाइल बनाएंगे यहाँ पर दैट इज मार्केट डॉट जावा। तो 3 फाइल्स हम लोगों के पास आ गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं होम डॉट जावा में, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक्सटेंड्स फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट क्लास को हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया है। यहाँ पर अब हम लोग ओवरराइट करवाएंगे एक फंक्शन। सबसे पहले ओवरराइट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ओ को हम प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम लोग देंगे ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन को हम यहाँ पर ओवरराइट करवाएंगे, और इन्फ्लेट फंक्शन का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। इन्फ्लेट फंक्शन बेसिकली होता क्या है, किस लिए यूज़ होता है, टू डीकम्प्रेस दी इनपुट डेटा, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले व्यू क्लास का हमने यूज़ किया, कोई एक आप यहाँ पर वेरिएबल ले लीजिए इज इक्वल्स टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। यहाँ पर ब्रैकेट में पैरामीटर्स में हम लोग पास क्या करेंगे, सबसे पहले तो किस फाइल का यहाँ पर एड्रेस आएगा, आर डॉट लेआउट डॉट होम का, ठीक है। होम डॉट जावा पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एड्रेस देंगे होम डॉट एक्सएमएल का। तो ये आगे आपके पास एड्रेस उस वाली होम डॉट एक्सएमएल फाइल का, कॉमा कंटेनर कॉमा, यहाँ पर हमें देना होता है कि बेस टू रूट, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पास करेंगे फॉल्स। कॉमा फॉल्स, थर्ड पैरामीटर मैंने पास किया है अटैच टू रूट के लिए फॉल्स, ओके। एंड यहाँ पर अब हम लोग रिटर्न करेंगे वी। अब सेम चीज मैं यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी,
और बाकी में हम लोग सेम चीज़ यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल वी, सबसे पहले तो पब्लिक क्लास ऑफिस एक्सटेंड्स, और यहाँ पर अब हम लोग किस फाइल का एड्रेस देंगे, ऑफिस डॉट एक्सएमएल का। सेम चीज़ हम लोग करेंगे मार्केट डॉट जावा में, और यहाँ पर हम लोग एड्रेस देंगे मार्केट डॉट एक्सएमएल फाइल का। मतलब बेसिकली फाइल्स क्यों क्रिएट की गई हैं, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ़ टैब्स होंगी उतनी ही हमारे पास, आप समझ लीजिए, उतनी ही एक्सएमएल फाइल्स होंगी उनकी कोडिंग के लिए, उनकी डिज़ाइनिंग के लिए, और उतनी ही जावा फाइल्स होंगी ताकि ये बता सकें हम कि कौन सी लेआउट, कौन सी टैब को वहाँ पर एग्जीक्यूट होना है और क्या चीज़ वहाँ पर शो होनी है, राइट। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, UI.main में हमारे पास यहाँ पर तीन फाइल्स हैं, पेज व्यू मॉडल, प्लेस होल्डर फ्रेगमेंट एंड सेक्शंस पेजर अडेप्टर। तो हमारे काम का आइटम है यहाँ पर सेक्शंस पेजर अडेप्टर। यहाँ पर हमें क्या कोड देना है कि लेट सपोज अगर यूज़र ने सेलेक्ट की है टैब वन, तो कौन सी जावा फाइल वहाँ पर एग्जीक्यूट होनी है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग मैंशन करेंगे कि यूज़र जो भी टैब सेलेक्ट करता है, जो भी टैब ओपन करना चाहता है, उसके रेफरेंस में कौन सी क्लास या फिर कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना है। जैसे कि होम क्लास में, होम डॉट जावा क्लास में हमने कौन सा फंक्शन बनाया है, होम फंक्शन। मार्केट क्लास में हमने बनाया है मार्केट फंक्शन। तो हम ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करेंगे। कैसे मेंशन करेंगे, हम लोग जाएंगे एक फंक्शन में फ्रेगमेंट गेट आइटम फंक्शन में, और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एक स्विच केस। बट उससे पहले हम लोग फ्रेगमेंट क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, जिसकी वैल्यू इनिशियली है नल। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एक स्विच केस, ब्रैकेट में हम लोग पास करेंगे पोजीशन, ये वाला जो ये पैरामीटर है दिस वन, ये हम लोग यहाँ पर पास करेंगे पोजीशन, यहाँ पर हम लगाएंगे केस, केस इज ज़ीरो। केस ज़ीरो में हम लोग लगाएंगे इक्वल्स टू न्यू, केस ज़ीरो पर हम लोग चाहते हैं कि होम फंक्शन एग्जीक्यूट हो क्योंकि वो होम टैब है। और इसके बाद हम लोग लगाएंगे ब्रेक, इसी तरह से हम लोग लगाएंगे केस वन, एफ इज इक्वल्स टू न्यू, एफ जो टैब वन है उस पर हम लोग चाहते हैं ऑफिस, ऑफिस ब्रेक, इसको करना होगा हमें इंपोर्ट ऐसे ही हमारे पास आएगा केस टू, केस टू न्यू मार्केट। इट मीन्स जब भी यूज़र सेलेक्ट करता है टैब वन को, तो हमारे पास केस ज़ीरो एग्जीक्यूट होगा यानी कि होम पेज आएगा। टैब टू एग्जीक्यूट करता है, टैब टू सेलेक्ट करता है तो हमारे पास केस वन एग्जीक्यूट होगा, और टैब थ्री सेलेक्ट करता है तो केस टू एग्जीक्यूट होगा। अब इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। तो मैंने किया इसको एग्जीक्यूट, तो ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है। बट इसमें अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ टू टैब्स आ रही हैं, टैब वन एंड टैब टू। टैब वन में मेरे पास कंटेंट है वेलकम होम, टैब टू में है वेलकम ऑफिस। वेलकम मार्केट कहाँ चला गया, तो उसका रीज़न देखते हैं कि वो क्यों नहीं आया है यहाँ पर। वो टैब थ्री हम लोगों के पास इसलिए नहीं आया है, यहाँ पर सेक्शंस पेजर एडेप्टर डॉट जावा क्लास में टैब टाइटल्स में हमारे पास सिर्फ टू टैब्स एडेड हैं, जबकि टैब थ्री का यहाँ पर एड्रेस नहीं है। तो इसको हमें यहाँ पर कॉपी करना होगा, एक और टैब हमें यहाँ पर बढ़ानी होगी। कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं टैब थ्री। इसके अलावा जो जब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है तो वहाँ पर हमारे पास टैब वन टैब टू लिखा हुआ है, उन टैब्स का नेम नहीं आ रहा है, तो वो हम चेंज करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे रिसोर्स फोल्डर में, वैल्यूज़ में, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में, यहाँ पर से आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहले एप्लीकेशन का नेम चेंज करते हैं हम लोग, हमने किया टैब व्यू। फर्स्ट टैब का हम लोग नेम रखते हैं होम, यहाँ से आप ये चीज़ चेंज कर सकते हो। टैब टू का हमने नाम रखा ऑफिस, और एक और टैब हमें क्योंकि क्रिएट करनी है तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी टैब थ्री
एंड यहाँ पर हमने उसका नाम रखा मार्केट। इसके अलावा यहाँ पर एक और मिस्टेक है, मैंने यहाँ पर एफ इज इक्वल्स टू नहीं लिखा है। ओके, एफ इक्वल्स टू न्यू मार्केट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर हमारे पास एक क्लास में फंक्शन है गेट काउंट, जहाँ पे रिटर्न टू है। और यहाँ पर देखिए कमेंट में लिखा है शो टोटल टू पेजेस, जबकि हमें कितने पेजेस दिखाने हैं, थ्री पेजेस दिखाने हैं। तो यहाँ पर अब हम रिटर्न करेंगे थ्री। ओके, तो अब हम इसे करते हैं एग्जीक्यूट। एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है, जिसमें मेरे पास अब थ्री टैब्स हैं, होम, ऑफिस एंड मार्केट। होम पर मेरे पास टेक्स्ट है वेलकम होम, ऑफिस में है वेलकम ऑफिस, और मार्केट में है वेलकम मार्केट। तो इस तरीके से आप टैब व्यू का यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस में। गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।